subscribe and turn your notifications on. पीनियल कोड का चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस. इनमें कुछ लोगों को क्राइम करने के बावजूद भी छोड़ दिया जाता है और उनको छूट दी जाती है. ये लोग कौन है और इनको क्यों छोड़ दिया जाता है और इनको छोड़ देने की वजह क्या होती है, इस पे हमारे मुल्क का लॉ क्या कहता है, हम इस वीडियो में अब यही देखेंगे और इस सेक्शन पे भी यही देखेंगे. सेक्शन 101 राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस. इफ द ऑफेंस बी नॉट of any of the description in the last preceding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death. मतलब ये कि section 101 बताता है कि जो सेक्शन 100 ने 6 केसेस और कंडीशन बताई थी, आप लोग बस उन्हीं 6 केसेस कंडीशन में किसी की जान ले सकते हैं अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज करते वक्त. और उन 6 केसेस और कंडीशन के अलावा अगर आप पर कोई किसी किस्म का अटैक होता है तो तब आप ग्रीवियस हर्ट चोट पहुंचा सकते हैं अटैकर को. मतलब ये कि अटैकर की डेथ के अलावा उसे किसी किस्म की आप चोट या ग्रीवियस हर्ट दे सकते हैं, बट आप अटैकर की डेथ नहीं ले सकते, डेथ कॉज नहीं कर सकते हैं, ना ही उसकी जान ले सकते हैं. सेक्शन 101 डेथ के अलावा कोई भी हार्म अटैकर को देने का राइट देता है आपको. और डेथ के अलावा किसी किस्म का हार्म जो आप अटैकर को देंगे उसमें सेक्शन 99 की गाइडलाइंस को फॉलो करना है. जिस किसी को भी सेक्शन 101 का बेनिफिट चाहिए उसको कोर्ट पे ये चीजें प्रूफ करनी होंगी. व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ अ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, यानी कि आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस यूज करते वक्त अटैकर की डेथ लेने के अलावा या उसकी जान लेने के अलावा उसको कोई भी नुकसान या हार्म या चोट दे सकते हैं, सेक्शन 101 ये कहता है. फर्स्ट पॉइंट है अगेंस्ट अनलॉफुल अटैक और एनी अटेम्प्ट डेंजर टू बॉडी बट इफ नो फियर ऑफ डेथ. अब ये जो 6 कंडीशंस हैं डेथ से लेके रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, ये 6 कंडीशन अगर उस अटैक के अंदर नहीं होती ना जो अटैकर आपके ऊपर कर रहा है तो आप उसकी डेथ नहीं कॉज करेंगे. सिर्फ इन 6 कंडीशंस के अंदर डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल डेथ, किडनैपिंग, रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, इनके अंदर आप, इन केसेस के अंदर और इन कंडीशंस के अंदर आप जान ले सकते हैं. और उसके अलावा बाकी जो जितनी भी कंडीशंस होंगी, फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको चप्पल से मारता है तो आप उसकी जान नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि जब कोई इंसान आपको चप्पल से मारेगा उसके अंदर फियर ऑफ डेथ नहीं होगा. जब कोई आपको चप्पल से मारेगा या चपेड़ मारेगा उसके अंदर फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट नहीं होगा. जब आपको कोई चपेड़ मारेगा तो उसके अंदर फियर ऑफ रेप नहीं होगा. जब आपको कोई चपेड़ मारेगा तो उसके अंदर फियर ऑफ अननेचुरल लस्ट नहीं होगा. जब आपको कोई चपेड़ मारेगा या आपको चप्पल से मारेगा या आपको कोई पंच मारेगा उसके अंदर फियर ऑफ किडनैपिंग नहीं होगा. और इसी तरह जब आपको कोई चपेड़, चप्पल या पंच मारेगा तो ना ही उसके अंदर रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन का फियर होगा. तो जाहिर सी बात है इन एक्ट्स के अंदर ना जान जाने का खतरा है, ना रेप होने का खतरा है, ना किडनैपिंग होने का खतरा है, ना ग्रीवियस हर्ट पहुंचने का खतरा है, ना अननेचुरल लस्ट होने का खतरा है. तो आप इन एक्ट्स के अंदर जैसे चपेड़ मार है, कोई आपको पंच मार रहा है, कोई चप्पल से मार रहा है, तो आप इसके अंदर अगले बंदे की डेथ कॉज नहीं कर सकते. इसके अंदर सिर्फ आपको अलाउ है कि आप उसको हार्म या हर्ट कर सकते हैं, समझ आई. तो डेथ सिर्फ इन 6 कंडीशन में ही की जाएगी जब कोई खतरा आपके ऊपर ऐसा हो कि आपकी जान जाने का खतरा हो. आगे 9 पॉइंट देखते हैं. गिव एनी टाइप ऑफ हार्म टू अटैकर
but you can't kill him. Say, number 10, right of private defense don't allow you to give more harm than necessary. आप ज़रूरत से ज़्यादा अटैकर को नहीं मारेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसने आपके ऊपर अटैक किया है, आपको पंच मारने की कोशिश की है, तो आप उस पंच को रोकेंगे, जितनी फोर्स चाहिए होगी, नीड होगी, उसको रोकेंगे और उसको यू नो हर्ट करके साइड पे फेंकेंगे. बट गुस्से में जाके उसकी पिटाई वगैरह नहीं करनी, या बाकी लोगों को बुला के क्या आओ मिलके अब उसको मारो, ये काम नहीं करना. ये राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में नहीं आएगा, बस वहाँ तक ही है. अटैक को रोका और फेंका, अटैक आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस वहाँ तक ख़त्म. जब अगर वो दोबारा अटैक करने लगेगा, देन आप फिर उसको पकड़ के पहले ही पीट दें. सही है, तो ये चीज़ है. 11 पॉइंट है, व्हेन पर्सन हैज नो टाइम टू रिकोर्स टू पब्लिक अथॉरिटी. आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन पहुंच जाएं. तो आगे है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विल रिमेन अवेलेबल एज लॉन्ग एज सच डेंजर एक्जिस्ट. जब तक वो आपको आपको लगता है वो चप्पल से मारेगा और उसे पकड़ी हुई है, या आपको लगता है कि वो आकर दोबारा आके आपको चपेड़ मारेगा, तो तब तक आप अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस करेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे जब तक वो डेंजर रहती है. As soon as your attack or any attempt to attack is over, your right of private defense over. यहाँ पर एक example है कि एक factory थी जिसके जो workers थे वो factory के बाहर खड़े होके ईंटें फेंक रहे थे factory की तरफ. उसके owner ने क्या किया, जो factory का जो मालिक था, उसने gun पकड़ी और उन वर्कर्स के ऊपर फायर कर दी, और जिससे कि वहाँ पर डेथ हो गई इन वर्कर्स की. यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप किसी की जान ले लें. ऑल्दो यहाँ पर आपकी फैक्ट्री के ऊपर वो मिसचीफ कर रहे हैं, यानी कि ईंटें डैमेज कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, यहाँ पर आपके पास सिर्फ राइट है उसको, यानी कि हर्ट करने का या ग्रीवियस हर्ट देने का. आप डेथ कॉज नहीं कर सकते, क्योंकि डेथ कॉज सिर्फ आप उन्हीं कंडीशन में करेंगे जहां पर आपकी जान को खतरा हो, जहां पर आपकी जान को या आपकी लाइफ को ग्रीवियस हर्ट, बुरी तरह पिटने का खतरा हो, जहां पर रेप होने का खतरा हो, जहां पर अननेचुरल डेथ होने का खतरा हो, जहां पर किडनैपिंग होने का खतरा हो, या फिर आपको कैद करने का खतरा हो, इस तरीके से कि आप किसी को अप्रोच नहीं कर सकते. तो वो फैक्ट्री का ऑनर फैक्ट्री के अंदर था, तो उसने फायरिंग करके बंदे मार दिए. तो यहाँ पर जो उसे बंदे मारे उसको यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक, उसको यहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा. अगर वो फायरिंग करके उनको ज़ख्मी करता तो फिर उसको डिफेंस मिलना था. सही, यहाँ पर यही ये सेक्शन 101 यही कहता है कि उन 6 केसेस के अलावा बाकी जितने भी केसेस आपके साथ होंगे ना, तो आपने वहाँ पर जान नहीं लेनी, वहाँ पर आपने जान नहीं लेनी किसी की भी. जान लेने के अलावा आप जितना मर्जी हर्ट करते हैं अगले को, लेकिन जान नहीं लेनी, बंदा ज़िंदा रहना चाहिए बस. बंदा उधर ही उन 6 कंडीशंस के अंदर मरेगा, बाकी कंडीशंस के अंदर बंदा ज़िंदा रहना चाहिए, उसको जज हर्ट कर दो. समझ आई होगी. अच्छा, नेक्स्ट, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ, ऑल अदर केसेस एक्सपेक्ट द 6 केसेस मेंशन्ड अंडर द सेक्शन 100, यू कांट किल द अटैकर बट यू कैन गिव अटैकर एनी अदर हार्म. एनी अदर हार्म मतलब पांव पे चोट कर दें, कंधे में मार दें, उसकी यानी कि बैक पे कोई किक मार दें, उसकी नीज पे मार दें, उसको हॉस्पिटल पहुंचा दें, उसका बाजू तोड़ दें, बाजू या हाथ टूट जाए, या सर पे चोट लग जाए. लेकिन सर पे कोशिश करें कि चोट ना ही लगाएं, क्योंकि सर पे जो चोट लगती है उसे डेथ भी कॉज हो सकती है. या पांव पे मार दें, तो यहाँ पर आप वो हर्ट या हार्म या इंजरी दे सकते हैं जिसे डेथ इंसान की नहीं होती,
ठीक है, अदर देन डेथ आप जान नहीं ले सकते. द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी अंडर सेक्शन 101 ओनली एक्सटेंड टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ एनी अदर हार्म अदर देन डेथ. आप कोई भी हार्म दे सकते हैं बट जान नहीं ले सकते. थैंक यू फॉर वॉचिंग. Subscribe and turn your notifications on.